J2022 हमारा नज़दीक आ रहा है और काफ़ी सारे बच्चे वरीड है अभी, ओके, कि हमारा सिलेबस बचा हुआ है, हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, हमारी बहुत सारी बैकलॉग्स है, रिवीजन करना बचा हुआ है बहुत सारा, टाइम नहीं मिल रहा है। और टाइम बचा भी बहुत कम है, क्योंकि भले ही हमारे पास अभी डेट्स एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन हमें यार ये तो पता है ना कि हमारा एग्ज़ाम अभी आने वाला है। विद इन लेट्स से 6-7 मंथ्स के अंदर सारे एग्जाम हो जाएंगे जे एडवांस तक, राइट? इतना इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है अभी। तो काफ़ी बच्चे वरीड हैं अभी इस बात को लेके, तो इस वीडियो में आपकी सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि किस बच्चे को कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ताकि वो JEE 2022 बहुत अच्छे से कर पाए और IIT पहुंच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, आपका सारा कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से यार कि हाँ यार 2022 में IIT अपनी पक्की है। तो यार एक तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को सबसे पहले। तो ऑल्सो कई बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट था कि JEE 2022 कोर्स पे डिस्काउंट फिर से लाया जाए, सो फॉर यू गाइज वी हैव ब्रॉट बैक द डिस्काउंट। तो 7 से लेकर 12 फरवरी तक आपको JEE 2022 कोर्स पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को, अगर आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ओके, आप IIT डेफिनेटली पहुंच जाओगे। आपको कोई और किताब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर्स देखना, उसमें बहुत सारे मेरे लेक्चर मैंने भी पढ़ाया है और भी कई सारे टीचर्स हैं जो खुद IIT हैं, आप उनसे ही पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना पसंद करते हो, मेरे सारे लेक्चर देखना, सारी DPPs हमारी लगाना और टेस्ट हमारे दे देना, तुम्हारा डेफिनेटली IIT में हो जाएगा। तो अगर तुम वो चीज़ ले सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली वहां जाना चाहिए। और इस वीडियो को देखो भी मत, उसके अंदर जाके उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक लगाओ, तुम्हारा पक्का IIT निकल जाएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? तो और बातें बाद में बता दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, 12 फरवरी से पहले, उसके बाद रेट बढ़ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यार कि कैसे हमें अपनी JEE प्रिपरेशन को ट्यून करना है फॉर दीज अपकमिंग मंथ्स। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये कि अभी जो सबसे नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि अपना टाइम का एलोकेशन अपन बहुत अच्छा से करें। क्योंकि देखो आप अभी एक 11th के बच्चे नहीं हो जिसके पास दुनिया भर का टाइम है कि वो कुछ भी पढ़ ले और चल जाएगा, राइट? आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा फोकस ऑन द राइट थिंग, ओके, फोकस भी इंपॉर्टेंट है और राइट चैप्टर्स पे करना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको सबसे पहले 1-2 घंटे निकालने, आज ही करना ये काम, ये वीडियो क्लोज करके यही काम करना जो मैं कहने वाला हूँ। आप एक पेज पे अपने सारे चैप्टर्स लिखना जो आपको लगता है यार कि मैं इनमें JEE मेन के सवाल नहीं कर सकता हूँ, राइट? आपको लगता है यार कि चलो देखो कुछ चैप्टर्स हर बच्चे को आते हैं, जैसे हो सकता है आपको मोल कंसेप्ट आता काइनेमेटिक्स आता हो सकता है आप GOC थोड़ा बहुत जानते हो, आप सीक्वेंस सीरीज जानते हो, तो कुछ चैप्टर्स हो सकता है आपको आते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है यार कि हाँ यार ये 40 चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाओ, ओके, अच्छे से क्लियरली लिखो कि यार हाँ यार ये चैप्टर्स मुझे नहीं आते। ये बात मैं कई बार आपको बोलता हूँ, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव एक टूल है, ओके। कई बच्चे ये चीज़ नहीं करते हैं, मुझे पता है आप लोग ये वीडियोस में मैं बोल देता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से लिखते होंगे और बताते भी होंगे कि यार हाँ यार ये चैप्टर्स मेरे कमज़ोर है। क्योंकि इसमें ताकत चाहिए होती है, हर बच्चे में इतना दम नहीं होता कि वो लिख दे कि हाँ यार ये चैप्टर मेरे को नहीं आता है, उनके दिमाग में यार हमें तो सब आता है ना। तो थोड़ा टाइम निकालो और पहले लिस्ट बनाओ कि यार ये चैप्टर्स हमारे कमजोर हैं सबसे ज्यादा, ओके। अब ये इनफ नहीं है, ऐसा नहीं कि अब ये लिस्ट बस चालू हो गए, नहीं। अब इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं भी होते। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक जैसे वीडियो भी निकाली थी, आई थिंक मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी वो, कि कौन से चैप्टर्स JEE में स्किपेबल है ना। तो वो या आपको जो लगे कि यार इनमें वेटेज कम आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से भी फिल्टर करके चुन लो कि यार 30-40 चैप्टर ये हैं, ये मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा, ये 30-40 चैप्टर है, इन पे मेरा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। कई बच्चे अभी क्या करेंगे, 100 चैप्टर से 100 के 100 करने की कोशिश, नहीं, 30-40 चैप्टर पकड़ो, उन पे ही ध्यान देना है कि 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 10 मैथ्स, बस। अब ये क्यों, देखो आपको भी हो सकता है 30-40 चैप्टर पहले से भी आते हो, ठीक है? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट देखो यार हर बच्चा मोस्टली कर लेता है, काइनेमेटिक्स मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, है ना? तो ये सिंपल चीजें कुछ आती होंगी आप लोगों को, ठीक है? और कई बच्चों को लगता है कि यार हमें नहीं आती, लेकिन आपको आती है, आपको बस पता नहीं है कि आपको वो चीज़ आती है ना। तो 30-40 चैप्टर को पहले से आते हैं, 30-40 चैप्टर आप अभी कर लोगे, तो इससे मेरा पर्पज केवल ये है कि आने वाले 1 से 2 महीने में आप अगर 30-40 चैप्टर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, उनको ही फिक्स कर लो कि यही चैप्टर में करने, बाकी भूल जाओ, तो हो सकता है आपका जो पहला या दूसरा अटेम्प्ट है JEE मेन का, उसमें आपके पास 70-80% सिलेबस कंप्लीट होकर आप जाओ। और आप JEE मेन के अंदर 70-80% सिलेबस के साथ कंप्लीशन के साथ जाओगे, तो आप एक डिसेंट स्कोर लेके आ जाओगे, ठीक है? हो सकता है आप 300 में से 300 नहीं लाओ, ऑब्वियसली नहीं आएंगे, लेकिन 200 तो आ जाएंगे, 210 तो आ जाएंगे, 220 तो आ जाएंगे, राइट? समझना चाह रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि आप अभी उन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो सबसे ज्यादा जो आपके वीक हों
और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उन्हीं पे ध्यान दो, बाकी सब दुनिया भूल जाओ कि यार ये चैप्टर बाद में जाए, मतलब ही नहीं हमें, हमें केवल ये 30-40 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, अब बाकी का क्या, हम मीडिया क्रिटिक लिए तो एम नहीं करते इस चैनल पे, है ना, आईआईटी का ही एम करते हैं। तो आने वाले अटेम्प्ट जो है, आपका थर्ड अटेम्प्ट आएगा, फोर्थ अटेम्प्ट आएगा, एडवांस के बीच में टाइम आएगा, उसमें हम बचा हुआ सिलेबस कर लेंगे, है ना, उसमें हम चैप्टर्स को एडवांस लेवल पे लेके चले जाएंगे। अभी मैं आपसे केवल एक चीज कह रहा हूँ कि आप 30-40 चैप्टर सेलेक्ट करें, उनको एटलीस्ट जेई मेंस लेवल तक पढ़े। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अरे यार ये बात तो मुझे भी पता है, पढ़ना कहाँ से है ये तो बताओ मेरे भाई, है ना, ये एक और क्वेरी रहती है। तो देखो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई आसान सवाल आसान जवाब है नहीं, होता तो यार सब बच्चे आईआईटी कर लेते, राइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हसल करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं आपको एक ब्रॉड वे में बताऊँ, केमिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है, आप स्पेशली अगर जेई मेन को एम कर रहे हो तो देखो इनऑर्गेनिक तो सारी एनसीईआरटी से उठ के आती है, उसमें कुछ वैसा नहीं है। ओके, इवन ऑर्गेनिक फिजिकल में ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह मुझे पता है इतने एनसीईआरटी में शायद नहीं भी आते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कुछ आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ शायद अपन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ी, फिर पीवाईक्यू देखने की कोशिश करी, एक आध कोचिंग का लेक्चर कुछ देखा, कुछ अपने पास नोट्स पड़े उनको रेफर किया, तो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आप केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स में मेरे अकॉर्डिंग आपको कोचिंग मटेरियल पे जाना चाहिए जो आपकी कोचिंग का है, उसमें ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज वन तक स्टिक करो, ठीक है, मुझे पता थोड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि कोचिंग का मटेरियल बहुत हैवी होता है, बहुत लेंदी भी होता है, लेकिन यार थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, फिजिक्स के अंदर भी या तो आप एच सी वर्मा को यूज़ कर सकते हो, है ना, इफ़ यू फील लाइक, ओके, या आप अगेन कोचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई आसान सवाल आसान जवाब नहीं है, थोड़ा आपको हसल करना पड़ेगा, आपके पास कुछ नोट्स हो पहले से उनको पढ़ सकते हो, है ना, एनसीईआरटी की सहायता ले सकते हो, अपनी कोचिंग शीट की सहायता ले सकते हो, पीवाईक्यूज की सहायता ले सकते हो, तो यही कुछ रिसोर्सेज हैं जो अगर आप सेल्फ स्टडी बेस्ड अगर कर रहे हो कुछ तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको एक बेटर सोल्यूशन चाहिए, आपको चाहिए यार कि यार नहीं यार इससे मेरे को नहीं हो रहा है, तो आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके अकेडमिक्स J2022 कोर्स में एनरोल होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। कई बच्चों को अभी क्या प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, कि यार मेटेरियल ही नहीं पता पड़ता कहाँ से पढ़े, ठीक है, आपको जैसे मैंने बोल दिया चलो एचसीएल में से पढ़ लो, अब एचसीएल में से क्या पढ़े, एचसीएल में थ्योरी पढ़े कि वर्क आउट एग्जाम्पल करें कि एग्जाम्पल्स करें क्या करें, और अगर सब कुछ करना है उसका टाइम नहीं है। एनसीईआरटी मैंने चलो बोल तो दिया, एनसीईआरटी में से क्या पढ़े, है ना, उसमें एग्जैक्ट पता थोड़ी चल रहा है यार कि हाँ भाई ये चीज़ें करें, तो ये थोड़े क्या, मैं वही कह रहा था ना इसका कोई आसान जवाब नहीं है, थोड़ा सा हसल आपको करना पड़ेगा इस चीज़ में, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो ये सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा अकेडमिक्स J2022 कोर्स, आप खुद से भी कर सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत और टाइम चला जाएगा, और अभी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस कोर्स के अंदर आपको पहली बात तो आप केवल मेरे लेक्चर्स ही देख लोगे ना, मैं अभी दूसरे टीचर्स की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो आप करो वो तो अलग लेवल चीज़ चली जाती है, लेकिन आप केवल मेरे लेक्चर्स देख लोगे ना अकेडमिक्स में, उसमें मैंने ऐसे बना रखे हैं कि फिजिक्स बाय कल्पित विवर से सेक्शंस बना रखे हैं, तो उसके अंदर मैंने आपका हर चैप्टर लेट से 2 आवर्स या मैक्स 3 आवर्स के अंदर समराइज कर दिया यार कि ये चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ये सवाल आते हैं, इनको ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चंस करके भी मैंने बता दिए यार कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। फिर हमने आपको DPPs दिए, DPPs वैसी वाली नहीं जैसी कोचिंग में आती है, कोचिंग में 500 DPPs पकड़ा दिए ये लो करो, नहीं, जितना एक बच्चा कर सकता है, जितने में उसको सारी चीज़ समझ में आ जाए उतने DPPs सप्लाई किए उनको आप करें, टेस्ट सीरीज हमारी लगाएं, सब चीज़ों के सॉल्यूशन दिए हुए, डाउट क्लास वगैरह का भी कोई झंझट नहीं, किसी तरह की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लाइव आना पड़ेगा, सब कुछ आपको Day 1 पे दे दिया जाता है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, जो चैप्टर आपका वीक हो उसको पहले पढ़ना, बाद में टाइम निकाल के सारी चीज़ें पढ़ लेना, मेन से उठा के एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर्ड रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला स्टडी मटेरियल के लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ एनसीईआरटी पीवाईक्यूज योर कोचिंग मटेरियल में यार एक्सरसाइज हार्ड वाली मत करना, केवल सिंपल वाली करना, ओके, और स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एचसी वर्मा वगैरह कर सकते हो। अगर इतना मेहनत नहीं करना है, ये तुम्हें लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे नहीं हो पा रहा है, देन अकेडमिक्स J2022 कोर्स इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, ओके। इस पर आपको 12 फरवरी तक डिस्काउंट है, हालांकि अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो आज ही आप लेके करें, क्योंकि अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, अपने लिए एक एक दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब ये तो चलो मैंने बता दिया सिलेबस कवरेज की बात है, क्या ये इनफ है, नहीं, आपको टेस्ट की तैयारी भी करनी जरूरी है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग आपको जब लगे ना यार कि हम 50% सिलेबस हमारा हो गया है, ठीक है, सबसे पहले तो देखो सिलेबस पे ध्यान देना है, अगर सिलेबस ही तुम्हारा 10% है तो क्या मॉक टेस्ट करोगे, राइट। तो 50% आपको लग रहा है यार कि हाँ यार 50% टॉपिक्स मुझे अब ठीक ठाक आ गए हैं, जेई मेन स्तर पर आ गए, तो अब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी चालू कर दो, ठीक है।
तो आप मॉक टेस्ट, तो यार मॉक टेस्ट तो ढूंढना कोई आसान मतलब इतना डिफिकल्ट काम रहा ही नहीं है। एनटीए अभ्यास ऐप पे आप कर सकते हो, आपकी कोचिंग के होंगे वो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर ए आई ट्रिपली के बहुत सालों के पेपर्स पड़े हुए हैं यार उनको कर सकते हो। अगर आपको और कमी पड़ रही है एम एच सी टी वगैरह इन सब के पेपर्स वगैरह भी कर सकते हो राइट, जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं कई सारे। तो टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो करना जरूर। जब 50% आपका सिलेबस हो जाए तो ट्राई करना है कि हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट अपन कर रहे हो, क्योंकि देखो जेई में सिलेबस कवर होने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में मार्क्स जैसे लाने वो भी जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे दी अभी, है ना, थोड़ा आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हुआ हो कि यार एग्जैक्टली मैं करना क्या है। वापस से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि 1-2 घंटे बैठो, सारे जेई के चैप्टर्स लिखो, उसमें क्रॉस आउट करो यार कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें आते हैं अच्छे से ठीक ठाक आते हैं, मतलब मेंस का सवाल कर लेंगे अपन, वो चैप्टर्स हटा दो। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें जो आपको लगता है यार कि इनका वेटेज ज़्यादा है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी पर्सनलाइज लिस्ट है ये, मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं आपको लिस्ट पकड़ा दूँ भाई ये चैप्टर कर लो। हर बच्चे का देखो अलग अलग होता है, किसी बच्चे को रोटेशन आता है किसी को नहीं आता है, किसी को एनएलएम आता है किसी को नहीं आता है, तो देखो हर बच्चा अलग होता है, तो मैं आपको ऐसे लिस्ट नहीं दे सकता बच्चा ये कर लो, ठीक है, वो बन नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको लिस्ट दे रहा है तो वो फॉलो करके आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि पर्सनलाइज चीज़ है। तो अपने लिए पर्सनलाइज एक लिस्ट बनाओ कि यार ये 30-40 चैप्टर्स पे मुझे फोकस करना है अगले 2 महीने में, ठीक है, समझ गए। भूल जाओ जेई मेन की तारीख आ रही है कि मेरे इतने चैप्टर्स बचे हैं, कि मेरे दोस्त के इतने चैप्टर्स हैं, भूल जाओ। फोकस करना है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर हम 30-40 चैप्टर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो हम कर लें, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, 4 अटेम्प्ट हैं वैसे, हालांकि अभी डिक्लेयर हुआ नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 3-4 अटेम्प्ट आपके पास है, उसके बाद एडवांस भी आपके पास है, तो टाइम है अभी। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि वो 30-40 चैप्टर्स पे हम ध्यान दें, उनको अच्छे से पढ़े, और वो एक बार आपके हो जाए। पढ़ना कहाँ से, मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना कोचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो, आपने खुद के कोई नोट्स बनाए हुए 11-12 में वो आप यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एचसीबी यूज़ कर सकते हो, पीवाईक्यूज यूज़ कर सकते हो, और अगर ये सब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो एकेडमिक्स J-182 कोर्स इज द अल्टीमेट थिंग। मैं तो कहूँगा कि अगर आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो ना, आपको उसमें डायरेक्टली चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम परफॉर्म करके नहीं आओगे एग्जाम में, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है। ठीक है, मैं जब जेई प्रिपरेशन कर रहा था मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और मैं यूट्यूब पे कई सालों से बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यार कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहाँ फिसलते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके मैंने वो बनवाया है पूरा सिस्टम। ठीक है, जो हमारी ऐप से लेके कोर्सेज से लेके DBP से लेके टेस्ट सीरीज सब कुछ मेरे थ्रू होके ही जाती है, वो चीज़ तो अल्टीमेट चीज़ है, उससे बेनिफिट हो गई। ओनली केस यू शुड नॉट एनरोल इज कि आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई रीज़न ही नहीं है यू शुड नॉट गो इन देयर। ओके, और फिर मैंने आपको ये बोला कि टेस्ट की तैयारी आपको करनी है, हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने की कोशिश करनी है, और मॉक टेस्ट तैयार मिल जाएंगे, वो तो आजकल भरमार हो गई है मॉक टेस्ट, आजकल तो मॉक टेस्ट नहीं मिलना मुश्किल हो गया है, मॉक टेस्ट मिलना आसान हो गया है। ओके, तो यार चलो यार अब जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब पे, ओके पढ़ाई करो। अब मुझे पता है तुम्हारे रिकमेंडेशन में आएंगी फालतू की वीडियोज़, पबजी, किलिंग स्ट्रीक, पता नहीं क्या क्या, वो सब मत देखना। जो मैंने बोला ना डायरी वाला काम, वो करना। कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और यार पढ़ाई करो यार, है ना, पढ़ाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो आने वाले मंथ्स है ना वो तुम्हारी लाइफ डिटरमाइन बहुत बड़े तरीके से कर सकते हैं। ओके, और मुझे पता है आप में से बहुत कम लोग अभी तक वीडियो देख रहे होगे, देखी हो तो बताना कमेंट करके, लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, है ना, मतलब आई एम बीइंग वेरी सीरियस राइट नाउ कि जो सोच तो चलते रहेंगे, क्योंकि देखो अभी तुमने कुछ अगर कर लिया ना जिंदगी में, तुम थोड़ा मेहनत कर लिया अगले 5-6 महीने और IIT पहुंच गए, तुम जिंदगी भर याद करोगे, अपने आप को थैंक यू बोलोगे यार, सही में, आई एम नॉट इवन किडिंग यार। और अगर नहीं हुआ तो जिंदगी भर का रिग्रेट भी हो जाता है लोगों को। ओके, तो यार चलो डार्क एंड पे, डार्क नोट पे एंड करते हैं वीडियो। गुड लक।